सदर और काबिल एहतराम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे जिस मौजू पर आपको शेयर करने का मौका दिया गया है उसका उनवान है, बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार जैसे सरकारी इदारों के शरीफ चपरासी होते हैं, वैसे ही आजकल के बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, मैं चश्मे तस्वुर में ये देखती हूँ कि एक बच्चे को चोरी की आदत है, उसके बाप को ये आदत छुड़ाने की हाजत है। करीब एक बोला ला की बड़ी शोहरत है, उसके दम फूकने में बड़ी ताकत है। बाप ने अपने बच्चे का हफ्ता में मौलाना तक आया है, मौलाना ने सर पे हाथ रख के दम फरमाया है। घर आकर बाप ने बच्चे से पूछा, अब तुम्हारे जहन में कोई चोरी का वबाल तो नहीं आया? बच्चे ने कहा, नहीं नहीं कोई वबाल नहीं आया, लेकिन सारे रास्ते मौलवी के तंग जूतों ने बहुत सताया है। सदर आली वकार, आप मुझे देखें, मेरी मासूमियत को देखें, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगले साल मुल्क वजीर आजम मैं ही बनूंगी? क्योंकि हर कोई मुझे कहता है तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं सियासत में नहीं जाऊंगी। अगर मैं सियासत में रहूंगी तो तरक्की करूंगी, तरक्की से पैसे कमाऊंगी, पैसे से टेंशन होगी, टेंशन से पीपी लोगों, पीपी लोगों से आप तो समझ ही गए होंगे। सदर आली वकार, ना आज हम कापे टाप जाने की बात करते हैं, ना कानून में हाथ डालने की बात करते हैं, और ना ये बात करते हैं कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। और अब सिक्योरिटी कौंसिल तक हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं और बच्चे क्या सियासी होते हैं। सदर आली वकार, हम लड़कियों की भी क्या ही जिंदगी है। कुछ दिन पहले मैं गाना सुन रही थी, साडा चिड़िया का चंबा है बाबू लसा उड़ जाना, पीछे से मेरी अम्मी की आवाज आई, पहले बर्तन ढोलो फिर उड़ जाए। सदर आली वकार, अब मेरी मासूमियत की बात करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी टीचर ने मुझसे सवाल किया कि हमें अपने मुल्क के सियासतदानों को कैसे चुनना चाहिए। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, जैसे बादशाह बने अनारकली को चुना था दीवार में, वैसे ही। टीचर ने मेरे जवाब से बोली, वाकई आजकल के बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, रमजान में मेरी अम्मी ने सियासी आंधी में लोटे पकाए, सॉरी सॉरी करेले पकाए, मैंने खाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं करेले नहीं खाऊंगी। अब्बा ने कहा, रमजान में किसी चीज को इनकार नहीं किया करते। फिर मेरी समझ में आया कि पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुल्क को इतना शौक से क्यों खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी तो रमजान में बना था ना। सदर आली वकार, एक आदमी अपनी बीवी के खाने की तारीफ नहीं करता था, मस्जिद गया, मस्जिद में बयान हो रहा था कि जो आदमी अपनी बीवी के खाने की तारीफ नहीं करता उससे बड़ा गुनाह होता है। घर आया, दस्तरखान पर दाल रोटी पड़ी हुई थी और खाने लगा, और हर बार सुभान अल्लाह कह चला जा रहा था। बीवी ने बेलना लिया और सर पे मारा के परोसे आई चीज को, सुभान अल्लाह कह के खाने, मेरे हाथ की तो तुमने तारीफ ही नहीं करनी। शुक्रिया।